हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी 9 में जिन लोगों का रिजर्व लिस्ट में नाम था, तो फाइनली आज जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट आउट किया गया है। IBPS.in पर ये सारा स्टेटस शो कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों का इनवैलिड दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 13 स्टेट हैं उन रिजल्ट का, जो उन स्टेट हैं वही का केवल रिजल्ट अनाउंस किया गया है। आपको स्टेट्स में बताना चाहूँगा, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, मिजोरम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो यही केवल 13 स्टेट हैं जिनका रिजल्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट यहां पर डिस्प्ले किया जा रहा है। बाकी आपने जब देखा होगा, जब ये रिजल्ट एक्चुअल अनाउंस हुआ था, तो रिजल्ट लिस्ट में उन्होंने NX-1 में ये वाले पॉइंट को वहाँ पर स्पेसिफाई किया था। तो इस वजह से अगर आप इन स्टेट के हैं और आपका अगर इसमें इनवैलिड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिन लोगों का हुआ होगा उनका वहाँ पर पर्टिकुलर उस बैंक का नाम वहाँ पर शो कर जाएगा, और इन स्टेट के अलावा जो भी लोग स्टेट के रिजल्ट चेक करेंगे उन सभी का इनवैलिड ही शो होगा। तो ये जो 13 स्टेट हैं, एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लें, आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड। ठीक है, तो इन्हीं 13 स्टेट के रिजल्ट को आप लोग देख पा रहे होंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जो है कन्फ्यूजन में ना रहें।